सकते। अंकल हाँ, ये आपके लिए टीपॉट। मेरे लिए? यस। नया टीपॉट? यस। ओके थैंक यू। ये टीपॉट को पाने के लिए आपको एक चैलेंज जीतना पड़ेगा। चैलेंज? कैसा चैलेंज? चैलेंज ये है कि इसके अंदर का पानी आपको इस कप में ट्रांसफर करना है। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है और बाएं हाथ से उठाता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। सब चैलेंजेस टू डू इट विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। हाथ यूज ना करो तो फिर दिमाग यूज कीजिए ना। दिमाग दिमाग दिमाग। अपने दांत यूज करता हूँ, दांत से पकड़ता हूँ इस कैटल को, पानी डालता हूँ। होगा इनसे? नो। नहीं हो रहा है, बहुत गर्म है। अंकल पास? पास। ओके। Without using hands. Okay? Okay. My hands are back. Yep. Wow! अरे वाह, ये टीपॉट है या फव्वारा? Science with Brain Cafe. मैं हूं शक्ति और मेरे साथ हैं आपका अपना, आपका प्यारा, आपका अंकल H2O. Well, अंकल H2O को लगता है कि मैंने अभी-अभी जो कारनामा किया वो कोई मैजिक ट्रिक था, but that's not true. सच तो ये है कि कोई मैजिक ट्रिक नहीं, वो हमारी आज की थीम पे बेस्ड एक सिंपल कारनामा था। आज उस थीम से रिलेटेड आपको कई और कारनामे देखने को मिलेंगे। Well, थीम क्या है? प्रेशर, व्हाट एल्स? भाई शक्ति, इसके पहले कि मेरे दिमाग का प्रेशर और बढ़े, मुझे ये बताओ कि तुमने वो कारनामा किया तो कैसे पानी बाहर निकला? बहुत सिंपल है अंकल, मैंने तो बस उस टी पॉट के टॉप को अच्छे से कवर करके एयर टाइट कर दिया और फिर उसके अंदर ब्लो किया। हवा ने पानी पर प्रेशर एग्जर्ट किया, हवा और पानी के लिए सिर्फ एक ही जगह बाकी थी, स्पाउट। तो एयर ने पानी को धक्का मार के स्पाउट से निकाल दिया। अरे शक्ति बेटा, एक बात बताऊं, जिस तरह से तुमने कैटल पे प्रेशर डाल के उसके स्पाउट से पानी बाहर निकाला, उसी तरह से मैं तुम पे प्रेशर डाल के तुमको ब्रेन कैफे से बाहर निकालने वाला हूं। अंकल मुझसे क्या गलती होगी, मैंने क्या किया? अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो। रो मत बेटा, रो मत, रो मत, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती हुई उस दुकानदार से। मैंने उसको ऑर्डर दिया था कि मुझे छोटे छोटे कप चाहिए और वो इतने बड़े बड़े कप डिलीवर करके चला गया। तुम जाओ और ये एक्सचेंज करके लाओ। बस इतनी सी बात, एक कप एक्सचेंज करने के लिए आप मुझे इतनी दूर भेजेंगे? हाँ। ओके, अगर मैं ये प्रॉब्लम यहीं सॉल्व कर दूं तो? यहाँ कैसे? ठीक है, बताता हूँ। एक काम करिए, आप मुझे अपना प्रेशर कुकर लाके दीजिए। प्रेशर कुकर? अब तुम यहाँ पर क्या खिचड़ी बनाओगे? प्रेशर कुकर लाओ भी। ओके, आई जस्ट गेट इट। हाँ ये लो भाई, प्रेशर कुकर ले आया मैं। अब और क्या लाऊं? हल्दी पाउडर, धनिया मिर्ची, यू नो, और टमाटर प्याज वगैरह लेके आऊं? नहीं, थोड़ा सा पानी दे दीजिए बस। पानी? या पानी तो ये यहाँ पर है, ये लो पानी। ओह थैंक यू। अब हम इस कप इसे ऐसे पकड़िए, बस बस पकड़ के रखिए, वेरी गुड। इसमें पानी डाल देते हैं। And let's cook it. ऐसा लग रहा है इस कुकर के अंदर ये एक कप की खिचड़ी बना रहा है। He is making one cup of खिचड़ी in the cooker. लेकिन कुकर में ना राइस है, ना दाल है, ना नमक है, ना मिर्च है, ना धनिया है, ना टमाटर, ना प्याज। How will he make खिचड़ी of one cup? Nobody knows. वो अभी पता चल जाएगा आपको। एक काम करूं, मैं बजाऊं सीटी।
एंड इट्स डन, तैयार। अभी हम इसे ऑफ करते हैं। चलिए अब इसे खोलकर देखते हैं। सारी हवा निकल गई, अब इसे खोलना सेफ है। क्या होगा? क्या? अरे ये देखिए ये ग्लास देखो कितना छोटा हो गया, पहले ये इसका ये साइज था। ये देखिए, वाह 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 शक्ति, यू आर ए जीनियस, यू आर ए जीनियस। लेकिन ये हुआ कैसे और क्यों? वेल ये भी हुआ प्रेशर की वजह से। प्रेशर कुकर के अंदर क्या हुआ मैं आपको भी बताता हूँ एक एनिमेशन के जरिए। जब हमने कप को प्रेशर कुकर में रखकर हीट अप्लाई की तो अंदर की हवा गर्म होके एक्सपैंड करने लगी। इस गर्म हवा ने स्टायरोफोम कप पर प्रेशर बिल्ड किया और स्टायरोफोम मटेरियल की ट्रैप्ड हवा बाहर निकल गई। इससे उसके पार्टिकल्स श्रिंक हो गए और कप साइज में छोटा हो गया। ओहो समझ गया मैं, समझ गया। यानी कि अगर मुझे भी तुम किसी बड़े से प्रेशर कुकर में डालोगे तो मेरी भी हवा निकल जाएगी तो मैं भी पतला हो जाऊंगा, है कि नहीं? नहीं, वैसे तो आप जानते ही हैं। बेटा मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ जूस बनाना और सैंडविच बनाना जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सो इन दैट केस मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी पे भी कॉन्स्टेंट प्रेशर बना रहता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अबव, बावजूद इसके कि हम यूजुअल सी लेवल सरफेस पे होते हैं। एटमॉस्फेयर से हम पे 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अप्लाई होता है, फिर भी ये प्रेशर हमें क्रश नहीं कर पाता क्योंकि हमारे अंदर भी हवा मौजूद है और वो उस बाहरी प्रेशर को बैलेंस करती रहती है। मतलब हमारे अंदर हवा, हमारे दाएं हवा, बाएं हवा, ऊपर हवा, नीचे हवा, हर जगह हवाई हवा, हवाई हवा। तो हवा और प्रेशर की बातें सुन सुन के लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है आज कुछ बर्स्ट होने वाला है। जरूर मेरा दिमाग ही होगा। वो दिमाग नहीं, बलून्स। बलून्स। यस। ऑलराइट गाइस, आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस बलून को इस नेल से पोक करूंगा तो क्या होगा? बलून बस्ट हो जाएगा। बहुत गपशप हो गई, अभी कुछ एक्शन हो जाए। इसको फोड़ा जाए। शक्ति ये बात गलत है, तुमने फोड़ दिया एक बलून तो मैं भी फोड़ूंगा आज। चलिए ठीक है आप बलून फोड़िए, लेकिन मैं आपको एक नेल की जगह 100 nails दूंगा। 100 nails यानी कि बलून 100 times जल्दी फूटेगा। चलिए देखते हैं। या दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए 100 nails, ये लीजिए बलून। ओके ये मैंने बलून रखा और ये प्रेशर डाला। अंकल ऐसे नहीं, इससे थोड़ी मदद हो जाएगी। चलो इससे और प्रेशर डालेंगे। चलिए फोड़िए एक सेकंड में अभी। क्या अंकल इतने सारे नेल्स दिए आपको तब भी नहीं फोड़ पा रहे एक बलून आप? ये ले लो, इतना फुगा लिया बलून को फिर भी एक बलून नहीं फोड़ पा रहे। प्रेशर अप्लाई कीजिए। चलिए छोड़िए छोड़िए, मैं आपको 100 nails और देता हूं। और हाँ ये लीजिए आप फोड़िए इसको। चलिए उस होल में और आप प्रेशर अप्लाई कीजिए। चलिए एक नेल से मैंने फोड़ दिया और इनको 200 nails लग रहे हैं एक बलून को फोड़ने के लिए, तब भी नहीं फोड़ पा रहे। कल्लो बात। शक्ति ये बलून फोल्टी लगता है, ये बलून कुछ गड़बड़ है, लगता है अच्छी क्वालिटी का बलून नहीं है, फट नहीं रहा है। बहाने ढूंढो अभी। सुनो तुम इधर आओ, इसे फोड़ के बताओ मुझे। आओ बेटा हेल्प करो मेरी, ऊपर से प्रेशर लगाओ। इतना एक्सपैंड हो गया, come on, it's just a balloon. अच्छा एक काम करो, तुम भी आ जाओ, इधर आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुम भी प्रेशर अप्लाई करो। आ जाओ हेल्प करो मेरी। 200 नेल्स। हेल्प करो बेटा। 200 नेल्स हैं और 3 men, फिर भी बलून नहीं फूट रहा है। कमाल हो गया, कमाल। You can go back to your places. Thank you so much. देखा फोड़ दिया ना? 3 men and 200 nails for 1 balloon. What a combination. शक्ति एक बात बोलूं? You are a genius. इतने सारे nails और एक balloon, फिर भी इतना pressure लगा, ये कैसे हुआ शक्ति? मुझे लगता है आपके अंदर की शक्ति इस शक्ति के अंदर आ गई, तभी वो आप एक balloon भी नहीं फोड़ पा रहे। इतने सारे नेल से बैलून बर्स्ट ही नहीं कर रहे, और ताकत लगानी पड़ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक नेल का इस्तेमाल करते हैं टू बर्स्ट बलून तो सारा प्रेशर एक ही पॉइंट पे होता है, इसलिए बलून को बर्स्ट करना इजी हो जाता है और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जब हमने बलून को बेड ऑफ नेल्स पे प्लेस किया, बलून पे पड़ने वाला प्रेशर
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द बेड ऑफ नेल्स, इसलिए उसे बर्स्ट करने के लिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता। एक मिनट, इतनी सारी ज्ञान की बातें बटोर बटोर के मेरे दिमाग का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अब जरा एक ब्रेक तो लो ताकि मैं थोड़ा सा प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। शक्ति बेटा, लगता किचन में एक चूहा आ गया है। देखो पोटैटोस में छेद कर रहा है। तुम बाजार जाओ और एक माउस ट्रैप लेकर आओ, और साथ में एक चीज क्यूब भी लेके आया ना उसको पकड़ने के लिए, ताकि चूहे को मालूम पड़े कि उस कैच टू अंकल भी क्या चीज है। अंकल, दरअसल वो चूहा मैं हूँ। चूहे तुम हो? तुम आलूओं में पोटैटोस में छेद कर रहे हो। तुमको मालूम नहीं सब्जियां कितनी महंगी हो गई है? तुमने आलू में छेद नहीं किया है, तुमने आज मेरे दिल में छेद किया शक्ति। क्यों, आपका दिल पोटैटो का है क्या? देखिए अंकल, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, यू जस्ट काम डाउन, ये मैंने सिर्फ ब्रेन कैफे के लिए किया है। अच्छा, आप शांत हो जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ अगला कारनामा, तुम सब भी देखो। अंकल, मेरे पास है यहाँ पर आलू, ओके, और यहाँ पर है स्ट्रॉ। अब एक काम करिए, इस स्ट्रॉ से इस पोटैटो में होल करके बताइए, ये लीजिए। क्या शक्ति, तुम मुझे इस स्ट्रॉ से इस आलू के अंदर होल करने को बोल रहे हो? भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये कारनामा तुम ही करके देखो। I don't think I can do it. कम से कम try तो कीजिए। It can never happen. It's not possible. You sure it's not possible? 100% I'm sure. आपको try करके भी देखना नहीं एक बार? No, because I know it can't happen. अरे अंकल please try तो करिए ना एक बार मेरे लिए। तुम कितने जिद्दी हो। ये देखो, ये लो try कर लिया। ये लो, ओले मुड़ गया। ये लो। चलो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3 and और पार हो गया। Yes. I can't believe it. I just can't believe it. अंकल, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। करना क्या है, ये स्ट्रॉ को इस तरीके से ऊपर होल्ड कर दीजिए। ओके। तो एक साइड से हवा ब्लॉक हो जाएगी, और उसे ऐसे जोर से उसके ऊपर मारिए। ये मैंने ब्लॉक किया। Yes. और आर पार हो गया, आर पार। दरअसल जब हम स्ट्रॉ के एक एंड को थंब से ब्लॉक करते हैं और दूसरे एंड से पोटैटो को हिट करते हैं, तो स्ट्रॉ के अंदर ट्रैप्ड हवा स्ट्रॉ को हेल्प करती है टू पुश थ्रू द पोटैटो एंड पंच अ होल। वाओ शक्ति, वाओ। अब इतने में से संतुष्ट हैं? मतलब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास है एक सिलिंड्रिकल ट्यूब, और इसके अंदर एक ऑलरेडी मैंने आलू का पीस डाला हुआ है। ओके, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और आलू का पीस डालेंगे इस तरीके से। आलू के ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे और फिर ये दे मारा। अब हमारे पास इसके अंदर हो गए दो आलू, एक ये साइड और एक ये साइड, और ये है हमारे पास लॉन्चर। अब हम इसे लॉन्च करेंगे। ये लॉन्चर को इसमें डाला। ओहो, वाह, है ना मजेदार। मतलब आगे वाला बाहर निकल गया और पीछे वाला यहां आ गया। एग्जैक्टली। अभी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड मैंने इसका एक जंबो वर्जन भी बनाया है, जिससे आप पोटैटोस, टेनिस बॉल्स, टेबल टेनिस बॉल्स सब लॉन्च कर सकते हैं। रियली? यस। ओके, आई वांट टू सी इट। ओके। ओके, सो ये रहा हमारा जंबो लॉन्चर, जिसे अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। सो हमने यहां पर एक बॉल डाल दी है, वहां पर है एमिंग साइट। अब मैं इसे लॉन्च करता हूं। ओके, बाहर निकालते हैं। ये है एथेनॉल स्प्रे, हम इसके अंदर बस हमने डाल दिया। अब इसे फिक्स करते हैं। अब थोड़ी सी एमिंग, ये गया शूट। ओके, नाउ लेट्स शूट इट। कैन आई एम इफ यू डोंट माइंड? यस, यू कैन एम, यू कैन शूट आल्सो। वो
अब आप जानना चाहेंगे ये दोनों लॉन्चर काम कैसे करते हैं? या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। पहले केस में जब हमने पाइप के दोनों एंड में पोटैटो लगा के एक एंड से प्रेशर अप्लाई किया तो पाइप का एयर प्रेशर इंक्रीज हुआ और उसने दूसरे एंड के पोटैटो को बाहर की ओर पुश कर दिया। वही गैस असिस्टेड लॉन्चर में हमने एयर को रिप्लेस किया एथेनॉल से और जब इस एथेनॉल को इग्नाइट किया तो हीट ने एथेनॉल को एक्सपैंड किया और इसे थ्रस्ट से बॉल पर ज्यादा प्रेशर लगा जिस वजह से वो रॉकेट की तरह लॉन्च हो गया। वाह शक्ति वाह, कमाल की चीज है ये, कमाल की चीज है। क्या मैं इससे अपने बर्गर और अपने सैंडविचेस भी अपने कस्टमर्स तक अपने दोस्तों तक लॉन्च करके फेंक सकता हूँ? आपका दिमाग है ना एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है। जो भी आपको नए आइडिया सुनने में आते हैं ना आप बस उसे अडैप्ट कर लेते हैं। आपको पता है वैक्यूम क्लीनर्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं बट द रिवर्स ऑर्डर। उन्हें ऑन करते ही उनके अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसे बैलेंस करने के लिए बाहर से हवा उसके अंदर सक इन होने लगती है और उस दौरान वो धूल मिट्टी वगैरह को भी अपने साथ अंदर खींच लेती है। वेरी गुड बेटा, लेकिन अब मैं वैक्यूम क्लीनर बनके तुम्हें खींच कर लेके जाऊंगा अपने गैराज में क्योंकि वहां बहुत सारा सामान पड़ा है जो मुझे उठा के ऊपर रखना है और मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है। I'm always there for you, uncle. लेकिन आपके सामान को लिफ्ट करने के लिए मेरे पास एक नई डिवाइस है। कौन सी? ये देखिए। ओके, ये है मेरा लिफ्टिंग डिवाइस BTID, stands for balloon type inflatable device. Uncle, before we keep your सामान on it and test it, उससे पहले हम बुलाएंगे कुछ volunteers को और इसमें एयर पंप करेंगे। So 4 volunteers, 2 boys and 2 girls I need. कौन आना चाहता है? Come on. Come. So now let's start filling in the air. नहीं नहीं सीधा बैठो, आराम से बैठो, झूला मत झूलो। वाह शक्ति वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस डिवाइस ने तो मेरी स्पिरिट्स को भी लिफ्ट ऑफ करा दिया है लेकिन हमेशा की तरह छोड़ दिया है मेरे मन में एक सवाल, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। हाउ, क्यों, कैसे? जवाब हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल है अंकल। बोलो, मैं अभी समझाता हूँ। जब हम इस BTID के अंदर हवा पंप करते हैं तब वो एक्सपैंड होने लगता है हर तरफ से क्योंकि हवा उस पर हर तरफ से प्रेशर अप्लाई करती है और जब इसके ऊपर हम कोई वजनदार सामान रखते हैं तब एयर प्रेशर और मटेरियल की स्ट्रेंथ की वजह से वो सामान भी लिफ्ट हो जाता है। तो शक्ति कोई ऐसा डिवाइस भी है जो हमको लिफ्ट करने के बजाय गायब कर सके? गायब से याद आया, स्प्रे कैंस में लिक्विड को एरोसोल गैस के साथ प्रेशराइज किया जाता है ताकि वो मिक्स ना हो और जब नोजल को प्रेस किया जाता है तो ओपनिंग के थ्रू वो गैस लिक्विड को भी अपने साथ बाहर खींच लाती है और फिर वो गैस गायब हो जाती है और लिक्विड को छोड़ जाती है। ना रही बात आपके और हमारे गायब होने की तो उसके लिए डिवाइस की क्या जरूरत है, एक ब्रेक ही काफी है। आजमा के देखें। बट यू स्टे राइट देयर, हम जल्दी वापस आएंगे। आज हम प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग कारनामे कर रहे हैं। अंकल ये क्या है? ये मेरा बैकपैक है, बैकपैक। मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ वेट लूज करने के लिए। वाव, ट्रैक पे? मतलब इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जैसे कि रोप्स और फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स। लेट मी सी। ये क्या अंकल? चिप्स, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स। अंकल
आप ट्रैक पे वेट लूज करने के लिए जा रहे हैं या वेट गेन करने के लिए? बेटा बात यह है कि जब मैं वेट लूज करने की बात सोचता हूँ तो मेरे दिमाग का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और साथ में मेरी एपिटाइट भी बढ़ जाती है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल टेक ऑफ कर जाता है बिल्कुल रॉकेट की तरह। रॉकेट से ज्यादा है जेट पैक। ये क्या है? अरे आपको याद नहीं पिछले हफ्ते मेरी साइंस टीम ने प्रेशर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग अपलिफ्टिंग कारनामा दिखाया था। लगता है एज इज कैचिंग अप विद यू अंकल। चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। जितना सिंपल लगता है ना देखने में उतना होगा नहीं आई एम श्योर, है ना? रॉन्ग। ये जितना सिंपल लगता है उतना ही सिंपल भी है। देखिए जब हम हाफ फिल जेटपैक में एयर पंप करते हैं तो अंदर एयर पार्टिकल्स के बीच लड़ाई छिड़ जाती है स्पेस के लिए। उस दौरान अंदर प्रेशर बिल्ड होने लगता है और जैसे ही उस प्रेशर को हम नोजल्स के थ्रू रिलीज करते हैं मोशन क्रिएट होता है और जेटपैक और आदमी रॉकेट की तरह लिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। जब मोटर पानी को खींचकर इसमें पंप करते हैं ये उसे वाटर को प्रेशर के साथ नीचे की ओर फेंकता है जो इसे लिफ्ट प्रोवाइड करता है। एंड हियर यू गो। वाह 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 एक्सीलेंट शक्ति बेटा एक्सीलेंट वेरी गुड वेरी गुड। वैसे अंकल आपको उस वक्त ट्राई करना चाहिए था वो। नहीं मुझे वर्टिगो बाबा मुझे बहुत डर लगता है ऊपर से हाइट से। वैसे जेट इंजन भी एयर कंप्रेशन यानी कि इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बाहर की हवा फैन के जरिए अंदर खींच ली जाती है जहां वो फ्यूल कंबशन के दौरान फॉर्म होने वाली गैस से मिक्स हो जाती है और फिर वो मिक्सचर बाहर रिलीज किया जाता है जिससे जेट को एक थ्रस्ट मिलता है टू मूव फॉरवर्ड। वैसे शक्ति अब तुम्हें भी एक ऐसा ही थ्रस्ट देने का टाइम आ गया। लेकिन उससे पहले हो जाए क्विक रिकैप। यप। आज हमने देखे प्रेशर यूज करके टीपॉट के स्पाउट से पानी निकाला, बड़ा स्टायरोफोम कप हुआ छोटा, हमने जाना बेड ऑफ नेल के पीछे की साइंस, लॉन्च की टीडी बॉल्स और एयर प्रेशर ने उठाया बड़ा भार, साथ ही साथ वाटर प्रेशर ने करवाया एक सुपर वाटर एडवेंचर। तो चलें बेटा क्वेश्चन ऑफ द वीक तेरा अंकल पूछेगा। आपको पूछना है? नहीं मुझे पता ही नहीं। चलिए ठीक है मैं ही पूछ लेता हूँ। सो क्वेश्चन ऑफ द वीक, हु इन्वेंटेड द प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? Write to us at braincafe@zq.in. अगली मुलाकात तक रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार होशियार एंड जोरदार only on Brain Cafe.